मेरा नाम है मनप्रीत सिंह, आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल टेक्निकल जे। और चलते हैं हमारी आज की वीडियो की ओर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोकिया का जो नया मोबाइल है सामने है उसके लीक, और उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और चलते हैं हमारी वीडियो की ओर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। चलते हैं हमारी वीडियो की ओर, जहाँ पर नोकिया का 5.2 जो मोबाइल है उसके बारे में बहुत ही सारे स्पेसिफिकेशन सामने आए हैं। और उसके एक फ़ोटो आई सामने जो आप इसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और यहाँ पर बैक पैनल और फ्रंट की दो फोटो सामने आई जो आप इसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें आपको सर्कल साइज़ में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, और उसी के साथ आपको LED लाइट देखने को मिलती है। और उसके ठीक नीचे आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाता है। इसका मतलब कि आपको डिस्प्ले में कोई फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें नहीं देखने को मिलेगा, आपको जो बैक पैनल में ही फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसी फोटो के मुताबिक। और अगर फ्रंट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको वाटरड्रॉप नॉच देखने को मिलेगी सबसे पहले। और जो इसकी थीम है उसके आधार पर कुछ लीक के मुताबिक ये स्टॉक एंड्रॉयड पर आधारित हो सकता है, ऐसे कुछ अपडेट निकल कर आ रही है। और ये जो इसका मेन कैमरा होने वाला है बैक पैनल में वो होने वाला है 48 मेगापिक्सल का। और इसमें जो प्रोसेसर होने वाला है वो स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर बताया जा रहा है इसमें आपको देखने को मिल सकता है। और ये मार्केट में नोकिया 5.2 के नाम से उतारा जा सकता है, ऐसे कुछ अपडेट निकल कर आ रही हैं। और लीक हुई तस्वीर में रियल पैनल में आपको ग्लासिक फिनिशिंग के साथ नज़र आ रहा है ये फ़ोन। और ये जो तस्वीर आई है सामने ये ब्लैक कलर में सामने आई है, और कोई कलर इसका सामने नहीं आया है। और शायद इसमें ब्लैक कलर भी अवेलेबल होगा, और भी कलर अवेलेबल हो सकते हैं, पर अभी तक ब्लैक कलर है जो उसकी फ़ोटो सामने आई है, और कोई फ़ोटो सामने नहीं आई है। और जो बात कर लेते हैं तो खबर के मुताबिक इसमें आपको 3500 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है इसी फ़ोन में। और फास्ट चार्जिंग का अभी तक कुछ बताया नहीं है कि कौन सा आपको इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और ट्विटर पर भी दावा किया गया है कि नोकिया का ये मोबाइल है ये 5.2 के नाम से लॉन्च किया जाएगा मार्केट में। अब तभी कन्फर्म होगा जब नोकिया कन्फर्म करता है कि वो कौन सा मोबाइल कब लाने वाला है। अभी तक तो ये कुछ लीक ही निकल कर आ रही है नोकिया 5.2 को लेकर, जैसे कुछ और अपडेट आती है तो आपको उसकी अपडेट अगली वीडियो में मिल जाएगी। और ये थी आज की वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।